की न्यूज में। चलिए शुरुआत करते हैं कुछ बड़ी खबरों से। हमारे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। नमस्कार, आप देख रहे हैं एफटी न्यूज। चलिए डालते हैं आज की खबरों पर। हिंदू रक्षा सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष व महामंडलेश्वर स्वामी प्रबोधानंद गिरी का अयोध्या में बड़ा बयान, राम मंदिर निर्माण में मुस्लिम भी करे कार सेवा, देश का हर मुसलमान राम मंदिर निर्माण में दान करे। 11-11 रुपए मुसलमानों के पूर्वज राम मुसलमानों को अच्छा मौका राम मंदिर निर्माण में करे कार सेवा, मुसलमानों को भगवान राम के प्रति श्रद्धा अर्पित करने का मौका, यह सद्भावना का होगा पहला कदम। स्वामी प्रबोधानंद गिरी का दावा, अयोध्या के बाद काशी और मथुरा का भी नंबर, सबसे पहले लेंगे काशी। महामंडलेश्वर स्वामी प्रबोधानंद ने कहा कि पिछले कई वर्षों से राम जन्मभूमि का मुकदमा कोर्ट में विचाराधीन रहा, काफ़ी वर्षों के इंतजार के बाद फैसला आया है, तब जाकर राम मंदिर निर्माण का कार्य शुरू हुआ। अब मुसलमानों को चाहिए कि जिन जिन जमीनों पर मंदिर हटाकर मस्जिद बनाई है उन जमीनों को वापस कर देना चाहिए। जिस तरह से एकता की बात की जाए तो यह मुसलमानों के लिए ऐसा अवसर है कि वह साबित कर सकते हैं कि वह सभी देश प्रेमी हैं और उनसे एकता सौहार्दता का सबूत जाहिर होगा। और आप सबको मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं भगवान राम लला का भव्य दिव्य मंदिर के निर्माण का कार्य प्रारंभ हुआ है। 2018 में मैं अयोध्या से मैंने आह्वान किया था मेरे देश में जो मेरे राम का नहीं है, तो बड़े सुखद समाचार है, इसकी सभी को शुभकामनाएं देने आया हूं। साथ में मैं देश में सेकुलरवादियों को कुछ कहना चाहता हूं। देश में सेकुलर के नाम पर हिंदुओं का उत्पीड़न किया जाता है, ये हिंदुओं का उत्पीड़न करने वाले लोग अपना उत्पीड़न अब बंद करें, पहली बात। दूसरी बात है कि हिंदू अपमान सहन नहीं कर सकता। भारत में हिंदू ने जितना अपमान सहन किया पूरे विश्व में किसी ने इतना अपमान सहन नहीं किया होगा। हजारों मंदिर तोड़ करके मस्जिद और मकबरे में कन्वर्ट किए गए, उसके आतंक को भी झेला। हमारे हजारों लाखों करोड़ों लोग हिंदुओं से जबरदस्ती मुसलमान बनाए गए। मैं देश में आज शांति और सौहार्द सद्भाव बनाने के लिए मैं पुनः देश के मुसलमानों से आग्रह करता हूँ, पूरे देश में 5000 लगभग मस्जिदें मंदिरों को तोड़कर बनाई हुई हैं। अगर वास्तव में वो सद्भाव चाहते हैं तो इन 5000 मस्जिदों को तत्काल बिना विलंब करे हिंदुओं को सौंप देनी चाहिए।